इनाम तुम्हें दे रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि मुझे जवाब मिले। आपसे ही मांग रहा हूं, चौथ दुनाई रुक जा, चौथ लड़ाने से फायदा नहीं है बेटे, जवाब की तरफ ध्यान दिया करो। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, एक दुनाई। कभी दिल ना मिला कभी आंख ना लड़ी, कभी दिल ना मिला कभी आंख ना लड़ी, तो ये प्यार का जमाना किस काम आया। कभी दिल ना लगा कहीं आंख ना मिली। हमारे गाने में और तेरे गाने में कितना अंतर है मैडम? हमारा गाना प्यार का है। कभी दिल ना मिला कभी आंख ना लड़ी, कहीं दिल ना मिला कहीं आंख ना लड़ी, तो ये प्यार का जमाना किस काम आया। तू है अभी नादान, तू है अभी नादान, जरा सोच मेरी जान, जो किसी का ना हो तो पे नाम आया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोको ना कोई, मैं चली ना 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 मेरी जा, देखो जाना ना वहां, कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जा, मैं चली। एक बात कहते हैं गुरु लोग, इतनी मोटी पुस्तक में से एक लाइन गा करके सामने वाले से पूछो, वो कायरता हुआ करती है। कलम में ताकत कितनी है वो दिखाओ मेरे भाई, वो दिखाइए आप। साज संगीत से सरगम सजा दी जाए और मनमोहन की मुरली अलीगढ़ में बजा दी जाए, और तुम क्या कह रहे कि लजाइए और मां बचपनसी बजाइए, और मैं क्या कह रहा हूं सजा अपने काजे काफी है ना, मैं तो पावड़ा दे दो तुम्हारे के, और दूसरे काफी कहाँ चले जाते हैं, मैं तुम्हारे काजे गायब हो जाते हैं काफिया। भैया भैया जब आते हैं समझाओ, काफिया बचतना है तो कहाँ तिलेंगे काफिया, समझाओ जाए। ये जानते भी नहीं है मानते भी नहीं है। अब गौर करना एक एक शब्द पे दादाजी, एक एक शब्द पे। नाम के आगे पीछे जी, किसी भी शब्द के आगे पीछे जी लगा लो, चाहे लक्ष्मण जी कह लो, सुधीर जी कह लो, राम जी कह लो, ओमवीर जी कह लो, थ्री जी कह लो, फोर जी कह लो, थ्री जी कह लो, चाचा जी, ताऊ जी, अम्मा जी, बहन जी, मम्मी जी, दाऊ जी, कन्हैया जी, किसी भी नाम के पीछे जी लगाओगे वो नहीं मानूंगा, आगे जी लगाओगे वो नहीं मानूंगा। तुम कहोगे मियाँ जी, बीवी जी, राजी काजी, नहीं मानूंगा। आगे पीछे जी लगाओगे वो नहीं मानूंगा, ये मैं कह रहा हूं। नाम के आगे पीछे जी, नाम के आगे पीछे जी, एक अंग्रेजी में जी, अंग्रेजी में एक जी होती है, ए बी सी डी ई एफ जी, ओफो राधे गात रही है। बकवास तो नहीं कर रहा हूं, कई तरह तो ना है, मैंने कह दी बटर बटर की सफल बटर रहा है। देख बेटा आराम दे, बिल्कुल आराम दे। नाम के आगे पीछे जी लगाए ले, आगे पीछे जी, आगे पीछे जी लगाओ, सम्मान सूचक होगा, नहीं मानूंगा। जैसे दर्जी में साथी जी लग रही है, मास्टर जी, ये नहीं मानूंगा आपका। लगाए ले आगे पीछे जी, राम भाई ध्यान रखना, आगे पीछे जी नहीं मानूंगा किसी भी शब्द के, सिंगल जी, सम्मान सूचक हो गई। लगाए दो आगे पीछे जी, एक अंग्रेजी में जी, ए बी सी डी ई एफ जी, लगाए दई आगे पीछे जी, जी आगे ना बढ़ी तो फिर क्या होगा। एक मन से कहते जी, मन से भी जी कहते मन, ये गाना था पुराना, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। क्या बात है, तो अमन देव खुड़के, हाँ यही तो बात है। नाम के आगे पीछे जी लगाए दई अंग्रेजी में जी, जी आगे ना बढ़ी तो
फिर क्या होगा। एक मन से कहते जी अब आप लड़ाना जी, मतना ना कटाना जी, तुम भाग ना जाना जी, तुम पे जी ना लड़ी तो फिर क्या होगा। लगाए दई आगे पीछे जी तो तेरे ठाड़े जी जा जी। लगाए दई आगे कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं मैं, ये कलम की लड़ाई है और मेरे पास रखी है तमाम पुराण, पर वो कायरता होगी। लगाए दई आगे पीछे जी तो तेरे ठाड़े जी जा जी। जी को आप लड़ाना जी, आना जी आना जी, एक जी की कर दे दो जी, एक जी की कर दे दो जी तो तेरी गाय रही है जी जी। होए होए लक्ष्मण उस्ताद, एक जी की कर दे दो जी तो तेरी गाय रही है जी जी। अब राखी बंधवाना जी, आना जी आना जी, अरे रंगीनी राधा जमाना पे हो बंसी वारे ते, आपने गाया एरे थर के अपनों तो वो देख कोड़िया भेस, अरे वो कहां पे गए बजरंग बली। इन कानों को खोल के सुना करो, पहले मैंने जवाब दिया था आपको। अरे गए बजरंगी देखो वहां पे कोड़ी भेस बनायो, विचित्रा के घर आयो। नाम भी बताया था मैंने, पर मैंने तो नहीं समझी कि नाम ही सुन के संतुष्ट है जाएंगे, पर ना है। तुम्हें पूरी कहानी सुनिए कि कब गए चोंगे। एक देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग जानते भी होंगे शायद इस कहानी को, कोई बंद कहानी नहीं है ये, और समझ में आ जाए तो आप लोग तालियां बजा देना, केवल मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आ गई। एक राजकुमारी थी, उसका नाम था विचित्रा, लेकिन वो चाहती थी कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं। गुरुदेव साहब सिंह उस्ताद, एक राजकुमारी थी उसका नाम था विचित्रा, वो चाहती थी कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं, लेकिन माता पिता ने कहा कि हनुमान जी को तू कभी पा नहीं सकती है, क्योंकि तू एक लड़की है और हनुमान जी की भक्ति कोई लड़की नहीं कर सकती है, केवल मर्द कर सकते हैं, तो तू हनुमान जी की भक्ति ना कर। लेकिन एक ऋषि वहां पर आए और ऋषि ने कहा अगर तू हनुमान को पाना चाहती है तो ऐसे तो तू हनुमान की भक्ति नहीं कर पाएगी, लेकिन हनुमान को पाने का एक तरीका और है, तू पा सकती है। कि कैसे? कि एक तरीका यह है कि तू खुद अपने घर पर बैठ करके रामायण पढ़ना शुरू कर दे, जब तू रामायण का पाठ करेगी तो किसी न किसी भेष में हनुमान जी आकर के यहाँ पर बैठ कर रामायण सुनेंगे। तो वहां पर गांव के लोग आकर बैठ गए, जब वो लड़की रामायण पढ़ रही है तो हनुमान जी भी एक कोड़ी का भेष धर के विचित्रा के घर पे गए उस रामायण को सुनने के लिए। क्या बात है। लेकिन अरे सुने आ गया लप लप मत करे, ये लपकाई तो बनो वो पार कहता है तभी तक घुसता है। हाँ लेकिन अब आगे सुना, आगे की कहानी और सुन ले, अब तू बढ़ाए ना पाव या कहानी है, चलो जाता हूं तुम्हें जितनी बताएगी तुम्हें उतनी याद है भाई। लेकिन हनुमान जी का कोड़ी भेष देखा तो उस लड़की ने कहा कि मैं रामायण पढ़ रही हूँ और ये कोड़ी कहां से आकर के बैठ गया, तो उसने रामायण का पाठ पढ़ना तो बंद किया और उस कोड़ी से कहा कि इस कोड़ी को बाहर निकाल दीजिए। और जब हनुमान जी को उस कोड़ी के रूप में वहां से बाहर किया उस लड़की ने, तब हनुमान जी असली रूप में आए और हनुमान जी ने कहा कि मैं तो तेरे पास आ गया था लेकिन तू पहचान नहीं पाई और मैं कोड़ी के भेष में आया था। यही कहानी आप गा रहे हो कि हनुमान जी ने कोड़िया का भेष धरा था तो वहीं पे धरा था और कहीं नहीं धरा था हनुमान जी ने कोड़िया का भेष। ए रे कहानी लेखन में तेरे
में ना हो टले तेरे कहानी लेखन में ना हो एक कलेश अरे कोई बात तेरी बेधांगी है और हम तो वही बात कहेंगे फिर दोबारा जो पहले गई दे अरे छंद लड़ाए फेरी खोली कहानी साहु सिंह उस्ताद अरे छंद लड़ाए तेरी खोली कहानी आगे लिख के गयो छंद लड़ा तेरी खोली कहानी आगे लिखते लियो छंद लड़ायो तेरी खोली कहानी आगे लिखते लियो आगे जो छंद लड़ाए ना पावे मेरो जो टुकड़ा तुपे लड़े ना पावे अपने भाग से दो सो भाग से दो सो दियो रे एरे सब पे कृपा करे वो ब्रह्मा विष्णु महेश एरे सब पे कृपा करे एरे सब पे कृपा करे मेरे भैया ये सब पे कृपा करे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश अरे कोई बात तेरी बेटा दोस्तों छंद हुआ आपने गीत गाया था उसका जवाब दिया और एक टुकड़ा मैंने गाया है जी अनुमत कह दियो दर्जी मास्टर जी फलानो जी को ठिकानो जी और उम्मीद करूंगा कि जवाब मिले उधर से और एक गीत मेरी तरफ से आप लोगों के चरणों में और मां साहब धुन लगाओ सजे के सजे रह गए।